हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, चैप्टर 3 जनरल नॉलेज का, जिसका नाम है टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें। ठीक है, जो सबसे लंबा ऊंचा होता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में कौन कौन सी इमारतें कितनी ऊंची है, कहाँ है, कितने फ्लोर्स हैं, कब बना, ठीक है, उसकी उसका शहर का नाम क्या है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है पार्करो बिल्डिंग ऑफ न्यूयॉर्क। कहता है कि न्यूयॉर्क में पार्करो एक बिल्डिंग है विच वाज 119.2 मीटर्स विच हाई वाज द टॉलेस्ट ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर कहता है जो कितना ऊंचा है, तो 119.2 मीटर्स ऊंचा है। ठीक है, ये एक समय, ठीक है, ये एक समय सबसे ऊंचा, एक मतलब उस समय में जब ये बना था तो सबसे ऊंची इमारतों के गिनती में आता था। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इसी में ही, ठीक है, सबसे बड़ा ऑफिस और अपार्टमेंट था। ठीक है, सबसे बड़ी ऑफिसेज जो थी इसी में थी, सबसे बड़ा अपार्टमेंट इसी में था। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। क्या नाम है, पार्करो बिल्डिंग। ठीक है, कितनी ऊंची है, 119.2 मीटर। ठीक है, सबसे बड़ी ऑफिस इसी में है, अपार्टमेंट भी इसी में, ऑफिसेज भी सबसे बड़ी इसमें और अपार्टमेंट भी इसी में है। ठीक है, फिर कहता है इट वाज कंप्लीटेड इन 1899। कहता है इसको कंप्लीट कर कब कर दिया गया था, बना करके पूरा, ठीक है, खड़ा कब कर दिया गया था, तो 1899 में ये बन चुका हुआ था। ठीक है, फिर कहता है सिंस देन इट हैज़ बीन ओवरटेकन मेनी टाइम्स by the buildings on the list. Today's buildings are about 7 times taller than the Parkrow. फिर कहता है कि आज के ज़माने में Parkrow जो है और स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग के बनिस्बत 7 गुना छोटा है। बात समझ आई, नहीं आई? कहना ये है कि जब Parkrow बिल्डिंग बनी थी तो उससे ऊंचा पूरा दुनिया में कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। आज के ज़माने में नई नई टेक्नोलॉजी है, उससे कहीं 7 गुना ऊंचा और लंबा बिल्डिंग उसके आसपास में, ठीक है, बना हुआ है। ओके, तो चलिए रेड लाइन क्या कहते हैं, अ लिस्ट ऑफ 10 हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर्स ऑफ द वर्ल्ड टिल डेट आर गिवन। कहता है कि 10 हाईएस्ट स्काई स्क्रैपर्स पूरी दुनिया का यहाँ लिस्ट में दिया गया है। तो पहले पढ़ते हैं रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, बिल्डिंग का नाम है बुर्ज खलीफा। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 828 मीटर, ठीक है, ऊंचा है, और कितना फिट है, तो 2717 फिट है। ठीक है, इसमें फ्लोर कितनी है बुर्ज खलीफा में, 163 फ्लोर्स है, और इसको बनाया कब गया, तो 2010 में बनाया गया था। ठीक है, और बुर्ज खलीफा कौन से शहर में है, तो दुबई शहर में है। ठीक है, अब कहता कंट्री का नाम बताइए। ठीक है, तो भाई बताना तो है ही हमी को, आप लोग तो मेहनत करोगे नहीं, तो चलिए ठीक है, इसमें भराएगा क्या वो भी बता दो। हाँ, तो ये कौन सी कंट्री में है, तो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे बाबू, दूसरा में है संघाई टावर। ठीक है, कितना मीटर लंबा है, तो 632 मीटर लंबा है। कितना फिट है, तो 2073 फिट है। ठीक है, इसमें कितनी फ्लोर्स है, तो 128 फ्लोर्स है। ठीक है, इसको बनाया कब गया, 2015
2015 में, यानी 2015 में कंप्लीट कर दिया गया। और ये कौन से शहर में है, तो शंघाई में है। और ये कौन से कंट्री में पड़ता है, शंघाई, तो शंघाई आप लोगों को पता होना चाहिए चाइना में पड़ता है, यहाँ चाइना फिल करेंगे, ओके। तीसरा में है अब्राज अल बैत क्लॉक टावर, ठीक है, ये 601 मीटर लंबा, 1971 फीट है, ठीक है। इसमें फ्लोर्स जो है 120 फ्लोर्स है, 120। इसको बनाया गया 2012 में और ये मक्का शहर में है। और आपको तो पता होना चाहिए मक्का शहर कहाँ है, तो सऊदी अरबिया में है, ठीक है। फोर्थ में है पिंग एन फाइनेंस सेंटर, 599 मीटर है, ठीक है, लंबा 1965 फिट ये इसकी हाइट है, 115 फ्लोर्स यानी 115 फ्लोर्स है, 2017 में कंप्लीट किया गया। ये कहाँ है, शेनजेन में, ठीक है। ये कौन सी कंट्री में है शेनजेन, ये जो है शेनजेन चाइना में है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए सभी जो जितना लिस्ट में दिखाया गया मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स जो है चाइना में ही अवेलेबल है, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। फिफ्थ में है लोट वर्ल्ड टावर, ये 554.5 मीटर लंबा, 1819 फीट लंबा, 123 फ्लोर्स इसमें है, 2016 में कंप्लीट किया गया है। ये सोल में है और ये सोल भी कहाँ पड़ता है, तो ये साउथ कोरिया में पड़ता है, ओके। सिक्स्थ में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 541.3 मीटर लंबा, 104 फ्लोर्स, 2014 में कंप्लीट किया गया। ये न्यूयॉर्क सिटी में है और न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है, ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री में भरेंगे, ठीक है। सेवेंथ में है ग्वांगझोउ सीटीएफ फाइनेंस सेंटर, ये 530 मीटर लंबा, 111 फ्लोर्स, 2016 में कंप्लीट किया गया। ये कौन से शहर में, तो गोंगझोउ में है और गोंगझोउ चाइना में पड़ता है, ओके। एट में है तेंजिन सीटीएफ फाइनेंस सेंटर, 530 मीटर लंबा, 98 फ्लोर्स, 2017 में कंप्लीट किया गया। तेंजिन में शहर में है और तेंजिन शहर जो है ये भी चाइना में पड़ता है, चाइना कंट्री का नाम यहाँ फिल करेंगे। नाइन्थ में चाइना जून, 528 मीटर लंबा, 108 फ्लोर, 2018 में कंप्लीट किया गया। बीजिंग में है और बीजिंग भी चाइना में पड़ता है, ओके। टेंथ में है ताइपी 101, 508 मीटर लंबा, 111 फ्लोर, 2004 में कंप्लीट किया गया। ताइपी शहर का नाम है और ताइपी कहाँ पड़ता है, ताइवान में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स जो है चाइना में ही अवेलेबल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।